தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கும் இடையிலான ஆண்டாண்டு கால தொடர்பின் புதிய அவதாரம்தான் காசி தமிழ் சங்கமம். புனிதமான கார்த்திகை மாதத்தில் நடைபெறுகிற காசி தமிழ் சங்கம புனித நிகழ்வை தொடங்கி வைக்க வருகை புரிந்திருக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் காசியிலே வாழுகிற தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நமஸ்கார். भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित उत्तर और दक्षिण भारत का संगम काशी तमिल संगमम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, माननीय राज्यसभा सांसद श्री इलिया राजा जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री सुधीर जैन जी, आईआईटी मद्रास के निदेशक माननीय प्रोफेसर वी कामकोटी जी और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री के अन्नामलाई जी, आप सभी का आदर पूर्वक स्वागत। और साथ ही स्वागत करते हैं माननीय गुरुजन आदिनाम जी का भी, और दिल खोल कर स्वागत करते हैं सभी तमिल मेहमानों का और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभाव का भी सहृदय अभिनंदन। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை வரவேற்று மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் திருமதி ஆனந்திபென் பட்டேல் அவர்களையும், மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களையும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும், மேனாள் மத்திய இணையமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும், காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும், சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் முனைவர் காமகோட்டி அவர்களையும் தம் तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़ गए। रोहित, काशी तमिल संगमम की ये सीधी तस्वीरें जहां पर देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग फिलहाल पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है रोहित? जब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पे पहुंचे हैं, उससे पहले हेलीपैड से आके आयोजन स्थल से पीछे एक मुलाकात बना हुआ था। वहाँ दक्षिण भारत के जो भी नौ संत आए हुए थे, धर्माचार्य नौ अलग अलग जो वहाँ के प्रमुख मठ है उसके प्रमुख, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसके अलावा लगभग 2500 युवा छात्र वहाँ आए थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद सभी लोग एक साथ मंच पे आए हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महामहिम राज्यपाल भी हैं और इस समय मंच पे सभी लोग पहुंच चुके हैं। इस समय स्वागत की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। थोड़ा सा कहा जाए, जिस पल का इंतजार था वो शुरू हो चुका है। और खास बात ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को अपना बनाते हैं, उसकी झलक उनकी आज वेशभूषा में भी देखने को मिली। आज अगर काफी तमिल संगमम है तो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों का स्वागत न सिर्फ बड़क्कम से करेंगे बल्कि वहाँ का जो पारंपरिक परिधान है लुंगी और शर्ट, लुंगी और शर्ट में उपस्थित है। एक बार की देखने से लगता है कोई दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से उसमें ढल जाने की जो कला होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखने को मिलती है, खासकर इस आयोजन में देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल इस आयोजन में फिलहाल अब मंच पर हम अपने दर्शकों को लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं ये वाकई में इस पल को इस ऐतिहासिक अवसर कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है इस कार्यक्रम के जरिए।
ये निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि तमिलनाडु देश के एकदम कोने में एक राज्य है, काफी वहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी है, काफी पुरानी संस्कृति है, पौराणिक चीजें हैं, वहाँ का साहित्य भी काफी महत्वपूर्ण है, वहाँ की जो लोक कलाएं हैं वो अपने आप में एक अलग स्थान रहती है, लेकिन भाषा की ये जो एक दूरी है उसके कारण कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं हो पाता है। यात्रा तीर्थ यात्रा पे लोग भले उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत जाते हैं और दक्षिण भारत के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से एक मंच पे साथ बैठकर एक दूसरे को जानने की जो आवश्यकता थी वो कभी पूरी तो नहीं हुई। उस चीज को, उस सपने को एक प्रकार से साकार किया है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जब नारा लगता है तो जो चीज उसमें दिखता है वाकई यहाँ पे साकार होते दिख रहा है। अन्य जगह शायद इबारा होता हो, प्रयास होता हो, लेकिन वो प्रयास अगर फलीभूत जमीन पे भी कहीं दिखाई दे रहा है तो इस समय वाराणसी में जब ये कहीं परिसर में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग बैठे हुए अलग अलग कला संस्कृति के प्रतिनिधि